चलिए आज एसएससी की तरफ से एक न्यू वैकेंसी फिर से निकल करके सामने आ चुकी है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कौन सी वैकेंसी है और क्या क्या चीजें है उसमें, हर एक डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको वीडियो पूरी देखना है। चलिए देखते हैं। देखिए एसएससी सीपीयू एसआई की जॉब निकली हुई है, जो आप एसएससी की तरफ से निकली हुई आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एसएससी सीपीयू एसआई इसका मतलब होता है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली के लिए निकली हुई है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए क्या क्या, इसकी लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, एज क्या है, फीस क्या है, हर एक डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो देखते रहना है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे जॉब ये निकली है एसआई की, तो इसमें क्या है कि इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, पहले इसकी बात करेंगे। देखिए इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो हमारी कितनी है, 22/7/2023 है। आप 22 तारीख से रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन की लास्ट डेट है उसकी लास्ट डेट है हमारी 15/8/2023, ठीक है। अब ये स्टार्ट डेट हो गई, ये लास्ट डेट हो गई। अब इसकी क्या है एग्जाम डेट की, इसका जब हम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो इसका स्टार्ट कब होगा, तो इसकी देखिए अभी डेट डेट तो फाइनल नहीं है, बट जो आपका एग्जाम होगा इसका वो अक्टूबर में होगा, इसमें होगा अक्टूबर में होगा, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की इसकी फीस क्या है। देखिए फीस जो फीमेल है और बॉयज कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी की फीस है। देखिए जो एग्जाम फीस है तो 100 रुपए रखी गई है, इसमें एससी एसटी जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए रखी गई है, और जो फीमेल कैटेगरी है तो फीमेल कैटेगरी वालों की फीस क्या है, 0। फीमेल के लिए कोई भी जो एग्जाम फीस नहीं लगेगी, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं एज के बारे में कि मिनिमम एज कितनी लगेगी और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मिनिमम एज रखी गई 20 है कि आप 20 साल होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना अप्लाई आप नहीं कर सकते। और जो मैक्सिमम है वो है 25, कि हम 25 साल तक इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो जॉब निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है, इसकी टोटल पोस्ट कितनी कितनी पोस्ट इसकी निकली हुई है। तो देखिए इसकी पोस्ट जो हमारी वो हमारी है 1876 पोस्ट जो अलग अलग स्टेट में डिवाइड की गई है, ठीक है। ये अब इसकी क्या बात कर लेते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट इसमें कुछ नहीं है, आपके पास क्या है, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया, साइन हो गया, और आपका 10 का रिजल्ट हो गया, 12 का रिजल्ट हो गया, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हो तो आप इसे जाके बहुत जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, और इसके एग्जाम अक्टूबर में होगा, तब तक आप प्रिपरेशन करके आप इसके एग्जाम दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, क्वालिफाई करके आप ये जॉब पा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। चलिए मिलते हैं।